हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। आपका स्वागत है मेरे सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए कैनवा मास्टरी कोर्स के कंप्लीट सीरीज में, लेसन 23। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक विजिटिंग कार्ड इन कैनवा, यानी कि कैनवा में विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएं। आज इसके बारे में कंप्लीट में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करने वाले कुछ की पॉइंट्स। और आज का हमारा पूरा टॉपिक यही रहेगा कि कैसे हम अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपना खुद का एक पर्सनल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। ऐसे जब भी हम किसी को अपने बारे में इंट्रो देने जाते हैं किसी ऑफिस में, या किसी भी तरीके से अगर हम अपने ब्रांड या फिर अपनी सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, तो सभी लोग आपसे अक्सर हमेशा विजिटिंग कार्ड मांगते हैं। तो कैसे हम अपने बिजनेस के लिए, अपने खुद के पर्सनल वर्क के लिए विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। और साथ ही साथ हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम विजिटिंग कार्ड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका बिजनेस किस प्रकार से, आप किस प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, आप किस प्रकार के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इससे ही डिपेंड करता है कि आप अपना विजिटिंग कार्ड कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस छोटे से फॉर्मेट में होता है विजिटिंग कार्ड, और इस तरीके से बिजनेस के बारे में या आपके बारे में कुछ डिटेल दी होती है, और उस विजिटिंग कार्ड में आपका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और आपका नेम, और साथ ही आपके बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसी तरीके से हम कैसे विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। आपको उसके लिए होना होगा गेट इंस्पायर्ड। सबसे पहले जब भी आप कैनवा को ब्राउज करें या कैनवा के सर्च बार पर जाएं, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा बिजनेस कार्ड सेक्शन पे, और आपके सामने बहुत सारी टेम्पलेट्स आ जाएंगी जिसमें कि आपको जिस भी प्रकार की चाहिए, मॉडर्न में चाहिए, आर्टिस्टिक में चाहिए या फोटोग्राफिक में चाहिए, जिस भी पर्सनैलिटी के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से आप अपना खुद का एक यहाँ पर विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं, उन सभी चीज को आपको चूज करना होता है, उनसे इंस्पायर होना होता है, देन उसी से रिलेटेड एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड स्टेप ये है, चूज अ टेम्पलेट। अक्सर बात की जाती है जब भी आपको स्पेसिफिक लेआउट पता चल जाता है, आपको टेम्पलेट के बारे में कैनवा लाइब्रेरी भी बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसमें कुछ फ्री भी है, कुछ प्रीमियम, दोनों ही ऑप्शंस होते हैं। तो आपको देखना है कि आपको किस प्रोफेशन और किस स्टाइल के हिसाब से एक विजिटिंग कार्ड चूज करना है, उसकी टेम्पलेट को आपको ले लेना है, और इस तरीके की आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट लेके एक बढ़िया सा अपने खुद के बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल विजिटिंग कार्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, स्टार्ट डिजाइनिंग। जैसे कि कैनवा पर हम जब भी किसी प्रकार की डिजाइनिंग करते हैं, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे स्टोरीज हो, चाहे वो बैनर ही क्यों ना हो या फिर विजिटिंग कार्ड ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर आपको डिजाइन क्रिएट करनी होती है, और आपको सिलेक्ट करना होता है बिजनेस कार्ड में टेम्पलेट आपको दी जाती है, आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नेमिंग, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्रिएट करनी है या फिर उसे कस्टमाइज करनी है। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर एड योर इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको इंक्लूड करना है अपना नेम, कंपनी का टाइटल नेम, या फिर जो भी आप एप्लीकेबल है उसके बारे में अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल, वेबसाइट के बारे में, अगर आपकी वेबसाइट लगी हुई है तो आपको अपनी वेबसाइट पे उस पर अपने यानी कि विजिटिंग कार्ड पर आपको मेंशन करनी होती है। सोशल मीडिया हैंडल्स का आप ऑप्शनल यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्लियर कंसाइन टेस्ट आपको रखना होगा, क्योंकि जब भी हम विजिटिंग कार्ड क्रिएट करते हैं एक प्रोफेशनल वे लुक इसमें आना चाहिए। इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देन इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप होगी फाइव, ब्रांड डेटअप। आप चाहे तो ब्रांड डेटअप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपने लोगोस को, अपने कंपनी के लोगों को, ब्रांड के लोगों को, आप अपने हिसाब से कंपनी का जो ब्रांड कलर से उस हिसाब से अपने विजिटिंग कार्ड में ऐड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉन्ट लगाने हैं, किस प्रकार से आप सही लेआउट या शेप का यूज करके एक विजुअली तरीके से लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बता सके। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप है एड विजुअल। एड विजुअल एक ऑप्शनल हम यहाँ पे दे रहे हैं, बिकॉज ऑप्शनल होता है। इसमें आप अपने हिसाब से रिलेटिव इमेजेस लगा सकते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं अपने कार्ड का, या जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसके बारे में कुछ इमेजेस लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी पर्सन जब भी आपसे विजिटिंग कार्ड मांगे तो आपका कार्ड देखकर समझ जाए कि वो आप किस प्रोफेशन से हो, क्या आपकी जॉब टाइटल है, किस प्रकार का आप वर्क करते हो, हर एक चीज आपकी विजिटिंग कार्ड में शो होता है। इसी के साथ ही चीजें यहाँ पे पूरी तरीके से काम करती है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप होती है प्रूफरेट, रीड एंड रिफाइन। जब एक बार आप कम्प्लीटली अपने लिए विजिटिंग कार्ड की रीड कर लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आपको डबल चेक करना होता है, इन्फॉर्मेशन को देखना होता है कि किसी प्रकार कोई फॉन्ट स्पेलिंग चेंजेस तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये सभी चीजें आपको देखना होता है ग्राइड अलाइन तरीके से। साथ ही साथ जो भी आपने अलाइंस मिला रखे हैं, ग्राइड मिला रखी है, सभी चीजें आपको देखना बहुत जरूरी होता है। तो इन तरह की चीजें देखना बहुत जरूरी होती है जब हम एक कम्प्लीटली विजिटिंग कार्ड की रीड करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन होता है रिफाइन करना, उसको वापस प्रूफरेट करना। देन इसी के साथ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप आ जाती है डाउनलोड और प्रिंट।
जब एक बार आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप हैप्पीली अपने विजिटिंग कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं हाई रिजोल्यूशन पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे कि प्रिंटिंग आसानी से हो पाए। और कैनवा के द्वारा भी आप डायरेक्टली ऑर्डर भी दे सकते हो। एज ए प्रोफेशनल कैनवा भी आपको पेपर फिनिशिंग ऑप्शन के साथ में आपको बजटिंग बना के दे देगा कि आपका टोटल बजट एज ए विजिटिंग कार्ड और कैनवा से आप बनवाते हो तो आपका टोटल एस्टिमेट कितना खर्चा आएगा। तो हर एक चीज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें कैनवा देता है। तो चलिए अब बात आती है इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली समझने की और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आ गए कैनवा पे और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम कैनवा की हेल्प से एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड क्रिएट कर सके। तो चलिए इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अपनी आईडी से अपने यूजर पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉग इन और साइन अप हो गए। तो आपको भी अपनी यूजर आईडी पासवर्ड के साथ पर होना होगा। देन इसी के साथ इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा। ऐसे हम फ्रीली अकाउंट यहाँ पे चला रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी फ्रीली ही जैसी चीजें सर्च करनी है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं कैनवा की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं विजिटिंग कार्ड। अब जैसे ही मैंने आपके सामने विजिटिंग कार्ड सर्च करा तो आपको सर्च बार में कुछ और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि बिजनेस विजिटिंग कार्ड, डॉक्टर विजिटिंग कार्ड, अटेंशन ग्रेविंग विजिटिंग कार्ड, या आप क्रिएट करना चाहते हैं विजिटिंग कार्ड आपको बनाना चाहते हैं। तो ये भी चीज आपको समझना होगा कि कैसे हम अपने बिजनेस के लिए विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या अपना खुद के लिए पर्सनल विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि एक विजिटिंग कार्ड आपके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किसी भी सामने वाले पर्सन को बता सकता है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे कर लेते हैं सर्च विजिटिंग कार्ड, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा अब आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है विजिटिंग कार्ड टेम्पलेट। तो आप इजीली समझ पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको एज ए प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बट यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इधर जो चीजें दिख रही हैं आपको, इनमें कुछ चीजें पेड भी हैं तो कुछ चीजें प्रो भी हैं। तो यानी कि प्रो और पेड वाली चीजें हमें छोड़ देना, बिकॉज हम एज ए फ्रीली यहाँ पर खुद से क्रिएट करना चाहते हैं विजिटिंग कार्ड, तो उसके बारे में प्रैक्टिकली समझ आए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड आपको दिख रहा है या और भी आपको कंपनी के हिसाब से विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप कंपनी के हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे शो हो रही है आपको, यानी कि गोल्डन एलिगेंट में बनाना है या जिस भी कलर्स या ब्रांड लोगों के हिसाब से या ब्रांड कलर्स के हिसाब से चूज करना है, हर एक डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी। आप देख पा रहे हैं किसी ने पर्सनल खुद का एक विजिटिंग कार्ड बनाया और खुद के कार्ड में अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी, कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही है आपको। तो जैसे कि यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो जिस चीज से हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें बहुत सारे बहुत ही शानदार शानदार विजिटिंग कार्ड की डिजाइन दिख रही होगी और हम उसी से रिलेटेड एक बढ़िया शानदार सा विजिटिंग कार्ड बनाने की सोचेंगे। तो अब आप यहाँ पे बात आती है कि जितना आप नीट एंड क्लियर अपना विजिटिंग कार्ड रखेंगे उतने ही शानदार तरीके से लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाएंगे, साथ ही साथ अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब मान लीजिए आपका कुकिंग फूड से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको कुकिंग फूड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऐसी इमेजेस लगानी होती है और अपनी कंपनी के बारे में लिखना होता है, कुछ अपना नेम, अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ तक की एड्रेस। ये तीन से चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप खुद का विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग है, ये भी बहुत शानदार सा लग रहा है। तो हम एक कोई सी नई डिजाइन ले लेते हैं और उससे रिलेटेड खुद से क्रिएट करेंगे, खुद से क्रिएटिविटी करेंगे, एक अच्छी सी डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बढ़िया सी डिजाइन सॉल्व कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतनी हमें डिजाइन के आइडियाज मिल जाएंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना शानदार यहाँ पे डिजाइन दिख रहा है, बट ये प्रो में, तो हम इसे बना तो सकते हैं बट अभी हम प्रो की चीजें नहीं बना रहे हैं, बिकॉज इसे फ्रीली यूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रीली में बहुत सारी चीजें मिलने वाली। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक फास्ट फूड से रिलेटेड यहाँ पर विजिटिंग कार्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने वाले पर्सन का नेम आ गया और यहाँ पर कंपनी का लोगो आ गया। तो इसी तरीके से हम भी खुद से विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। और विजिटिंग कार्ड दो तरीके होते हैं, एक होता है सामने की तरफ पे, सिर्फ आप चाहते हो कि सिर्फ फ्रंट पे ही आपकी पूरी डिटेल भी हो, आपकी कंपनी के बारे में भी हो, और कुछ दोनों साइड ही होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं। चलिए और स्क्रॉल कर लेते हैं और बढ़िया शानदार सा विजिटिंग कार्ड देखते हैं और उससे रिलेटेड एक बढ़िया सा कार्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही शानदार लग रहा है, स्टाइलिश में दिख रहा है और दो कलर का कॉम्बिनेशन है और ये हमारे लोगों से मैच खा रहा है। तो चलिए हम अपने ब्रांड कलर के हिसाब से एक बढ़िया सा यहाँ पर अपना विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का अपना खुद का ब्रांड कलर के हिसाब से या खुद से कस्टमाइज करना चाहते हैं टेम्पलेट। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी जितना ट्रायल करेंगे उतनी चीज आप समझ पाएंगे। तो फिलहाल हम इसको ले लेते हैं।
तो चलिए हम इसको कस्टमाइज जिस टेम्पलेट करते हैं। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो आप देख पाएंगे मोर लाइक दिस, और इसमें आपको बहुत सारी टेम्पलेट दिख जाएगी अपने विजिटिंग कार्ड की। यहाँ भी बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट है, और इसी तरीके से डिजाइनिंग आप देख पा रहे हैं। बट कहने का मीन्स यही है कि जितना आप क्लियर और साथ ही साथ जितना आप कम डिजाइनिंग के साथ और अच्छी चीजें रिप्रेजेंट करेंगे, उतने आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में लोगों को समझ में आएगा। ज्यादा आप डिजाइनिंग या ज्यादा कुछ करेंगे तो उतना लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आपको ऐसी डिजाइन देखनी है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, जैसे ये भी डिजाइन बहुत बढ़िया, वेल एंड डॉक्टर जैसी डिजाइन है ये। तो चलिए हमने जो डिजाइन लिया हम उस पर बात करते हैं, और एक बढ़िया सा खुद से रिलेटेड यहाँ पर अपने खुद से रिलेटेड कंपनी के हिसाब से एक शानदार सी विजिटिंग कार्ड क्रिएट करने वाले। तो हमने ये चूज कर लिया क्योंकि बिकॉज ऑफ ये हमारे कलर्स यानी कि हमारे लोगों से भी ब्रांड से भी मैच कर रहा है, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कर लेते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब हम इससे मिलती जुलती खुद से क्रिएट करने वाले एक बढ़िया शानदार सी विजिटिंग कार्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों ही ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फ्रंट एंड इसके बैक का। तो फ्रंट एंड बैक दोनों तरीके से हम विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाए, उसका लोगो आ जाए, और यहाँ पर हमारी कंपनी वेबसाइट आ जाए। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इधर हमारा नाम आ जाए, कंपनी का लोगो वेबसाइट भी आ जाए, नेम आ जाए हमारा जो भी हम है वो आ जाए, या फिर नेम कॉलिंग जो भी हम करना चाहते हैं, हर एक चीज यहाँ पर हम विजिटिंग कार्ड में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वापिस चलते हैं टेम्पलेट के ऑप्शन में, और इसको हम क्लोज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब वापिस यहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको खुद से डिजाइन क्रिएट करना है, आप चाहते हैं नहीं मुझे डिजाइनिंग देख कर आइडियाज लेके अपने खुद से क्रिएटिविटी करनी है, तो यहाँ पर आप क्रिएटेड डिजाइन पर जाने वाले हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सर्च करना है विजिटिंग कार्ड। अब जैसे मैं यहाँ पे विजिटिंग कार्ड सर्च कर रहा हूँ तो आपके सामने दो से तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, बिकॉज ऑफ विजिटिंग कार्ड को एज ए बिजनेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो जैसे कि विजिटिंग कार्ड लैंडस्केप में आपको चाहिए, तो आप इसका साइज भी समझिए। साइज जो है वो है 8.5 बाय 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, तो पोर्ट्रेट में बिजनेस कार्ड आते हैं तो 50 बाय 85 mm का होता है। अगर आपको यूएस पोर्ट्रेट में चाहिए तो अलग अलग साइजेस आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है लैंडस्केप में चाहिए तो हम लैंडस्केप में ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कर लेते हैं लैंडस्केप में, और हम चाहते हैं कि हमें ऐसा कुछ साइज मिल जाए कैनवास की तरह से, तो जिससे कि हम एक बढ़िया शानदार सा इससे मिलता जुलता जो हमने चूज कर रखा है उससे मिलता जुलता यहाँ पर हम कम्प्लीटली अपने लिए कुछ क्रिएटिविटी कर सकें, बढ़िया शानदार सा अपने ब्रांड के बारे में अपने खुद के बारे में विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर पाए। तो जैसे कि जो भी हम रिसेंटली यूज करते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होगी, कुछ टूल्स की जरूरत होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग डिजाइनिंग दिख रही है, कुछ इस तरह की डिजाइन दिख रही है जिसमें कि आप समझ पा रहे हैं ये जो आप समझेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है, ट्रायंगल हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमें 2 से 3 ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि हम इस प्रकार की डिजाइन बना पाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी ट्रायंगल है, और यहाँ पर जो ट्रायंगल से मिलकर एक बढ़िया शानदार सा एक विजिटिंग कार्ड बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख कर पा रहे हैं दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चलिए दोनों को हम बनाने की यहाँ पर ट्रायल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो हम जाने वाले हैं एलिमेंट्स का ऑप्शन में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे अगर हमें कुछ एलिमेंट चाहिए होता है, अगर ऑलरेडी हम रिसेंटली यूज कर पाए तो वो हमें मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमें शेप चाहिए, बिकॉज ऑफ क्योंकि ट्रायंगल जो है वो शेप में था तो हमें शेप में चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर शेप से रिलेटेड हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्वायर में है, ट्रायंगल में है, स्क्वायर, तो अब देखिए आपको सर्कल में चाहिए कि आपको डिजाइनिंग में चाहिए। तो मान लीजिए मुझे एज ए यहाँ पर ट्रायंगल चाहिए, तो मैं इसे डबल टैप करूंगा और अपने हिसाब से इसको जिस तरीके से मूव करना चाहता हूँ मूव कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम ले लेते हैं इस ट्रायंगल को, और अपने हिसाब से इसको साइजेस के हिसाब से हम चेंजेस कर पाएंगे। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं हमने अपने हिसाब से चेंजेस कर रखा है। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा मिलते जुलते बनाना है, बिकॉज अब हम चाहते हैं कुछ ऐसी डिजाइनिंग आए जो अट्रैक्टिव भी लगे और हमारे ब्रांड लोगों से भी हमारे ब्रांड कलर से भी मैच करे। तो चलिए हम कुछ ऐसी डिजाइन बनाने वाले हैं। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा सा और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो जितना चाहें हम उसको अपने हिसाब से अलग अलग एंगल्स पर ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको ले लिया कुछ स्टाइलिश वे में। अब आप देख पा रहे हैं कुछ अलग ही 3D तरीके की डिजाइन दिख रही है, बट आपको कॉर्नर का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप डिजाइन तो बना रहे हैं बट कुछ छोटी छोटी चीजें आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए फिर से हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ये ट्रायंगल थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम साइज को ऐसा कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, किस जैसे कि दोस्तों हमें मान लीजिए अब इस ट्रायंगल को कैसे सेट करना है, तो हम यहाँ पे आइडियाज ले सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो जस्ट हमें यहाँ पे ऐसा दिया, यानी कि अपसाइड डाउन दिया गया है और कुछ इस तरह से यहाँ पे डिजाइन लगाई गई है। तो चलिए इसको भी हम ऐसे ही ले लेते हैं। अब फिलहाल इसको कर लेते हैं मूव, और एंगल को मूव करने के बाद इसके साइज को अपने हिसाब से हम मैनेज कर पाएंगे।
तो आप देख पाएंगे कि इस कलर से थोड़ा सा इमेज कर रहा है, तो कलर चेंजेस कर लेते हैं जिससे कि हम अपने हिसाब से कलर लगा लेते हैं। चलिए फिलहाल अभी ये कलर से लगा लेते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ कलर्स ऐसे लगाएं, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके का। जितना साइज आपको लेना है, जितना आपको कवर करना है, वो हर चीज आप कवर कर सकते हैं। तो आप फिलहाल देख पा रहे हैं हमने जो लगाया है एंगल, बट ये थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ये ऊपर हो रहा है, ये जस्ट नीचे हो रहा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो फिलहाल इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर हम इस एंगल को लगा देते हैं। अब जैसे कि हमने ये एंगल तो लगा दिया बिकॉज ऑफ ये कुछ एंगल इस तरीके का, ये थोड़ा सा ज्यादा साइड में जा रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हाफ कर देते हैं। फिलहाल हम कर देते हैं इसको हाफ और ये हमने कर दिया इसको हाफ। तो अभी हमने जो इससे पहले एंगल्स बनाए थे, अब इसी को हम वापस पेस्ट कर देते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कुछ हमने डिजाइनिंग जो है इस तरीके से मिलती जुलती ले ली है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ साइजेस जो है छोटा बड़ा हो रहा है, तो फिलहाल हम साइज को बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम साइज को बड़ा कर लेते हैं। तो हमने साइज को बड़ा कर लिया और थोड़ा सा और इसको मूव करेंगे। जितनी आप क्रिएटिविटी करेंगे दोस्तों, उतनी चीजें आपके सामने शो होंगी और एक बढ़िया तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे एक शानदार सा खुद के डिजाइन और खुद के लुक के साथ में। एक बढ़िया सी आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि कैसे हम चीजें करने वाले हैं। तभी आप देख पा रहे होंगे ये डिजाइन जो दी गई है, इसका जो एंगल है आप समझ पा रहे हैं, ये एंगल जो है इसका अप एंड डाउन पे है। तो चलिए इसका एंगल्स को हम समझते हैं कि हमने जो एंगल लगाया वो क्या गलत लगाया। तो हाँ, बिकॉज दोस्तों ये गलत लगा हुआ है, बिकॉज एंगल जो होना चाहिए वो कुछ अलग तरीके का होना चाहिए था। तो चलिए इस एंगल को हम सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जितना हम एंगल लेना चाह रहे हैं, जितना साइजेस हम लेना चाह रहे हैं, उसको हम ले सकते हैं। तो आपके सामने एक और ऑप्शन आता है, अगर आप मान लीजिए आप इतना सेव एडिट नहीं कर पा रहे हैं या आपको टाइम लग रहा है ये सब चीजों करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा वर्क है दोस्तों। आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ क्योंकि ये पूरा फ्री है, तो हम इसको फ्रीली यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि पूरी तरीके से हम क्रिएटिविटी लाए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा साइजेस बना हुआ है, तो हमें उस साइजेस को तो उसके बराबर बनाना होगा। देन इसके बाद ही हमारा ये साइजेस जो है इस तरीके से शो होगा और डिजाइन पर दिखाई देगा। तो या तो मान लीजिए हमारा ये साइजेस बहुत ही छोटा है, तो हमें साइजेस को बड़ा करना होगा। हम जितना बड़ा कर सके उसको फिलहाल करना होगा, क्योंकि हमें जो डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कराएं, और जितनी आप क्रिएटिविटी करेंगे खास आपको पता ही है, तो यहाँ पर उतनी क्रिएटिविटी आपके लिए अच्छी होगी। तो जैसे कि मैंने इसको कर लिया ये, अब आप देख पा रहे हैं ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब फिलहाल हम वापस कर देते हैं इसी को पेस्ट और हम इसको कर देते हैं इस तरीके से डिजाइन। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं हमने डिजाइन तो कर ली, थोड़ा सा इसको साइज को हमेशा कर लेते हैं। अब दैट्स ऑल, ये आप देख पा रहे हैं कैसे हमने डिजाइनिंग बना दी है यहाँ पे। अब इससे मिलती जुलती बनाई है, बिकॉज हम चाहते हैं सिर्फ लाइनिंग टच हो, तो हम लाइनिंग भी टच कर सकते हैं। तो जितना हम चाहें उतना हम अपने स्पेस के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने कुछ डिजाइनिंग ऐसी क्रिएट कर रखी है, और इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम और भी एंगल लगा के डिजाइनिंग बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने इससे मिलती जुलती डिजाइन बनाई है। अब मान लीजिए कि हमें और भी अच्छी तरीके से करना है, तो हमें और एडिटिंग करनी होगी और इसके बारे में रिसर्च करनी होगी। तो चलिए इसको हम और बिल्कुल तरीके से इसका हुआ बनाने वाले हैं, तो चलिए हम बना देते हैं। हमें इसके साइजेस को अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, तो फिलहाल हम कर देते हैं इसके साइजेस को और भी बड़ा। तो जितना बड़ा करेंगे उतनी हम क्रिएटिविटी कर पाएंगे। तो फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ पे चीजें कर रहे हैं, तो फिलहाल ये हमने कर दिया इस तरीके से, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे डिजाइनिंग जो बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो चलिए इसको मैनेज कर देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड हम इसको अपने हिसाब से यहाँ पे फिर से बनाने वाले हैं, हमने साइज को और भी बड़ा कर दिया। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा साइज हमने इसको करा है, और फिलहाल हम इसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब वापिस हमें फिर से शेप ले लेते हैं, बिकॉज हमने शेप को हटा दिया। अब यहाँ पे हम शेप ले रहे हैं, कलर थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, बिकॉज अगर एक जैसा कलर होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल हम कलर्स को ले लेते हैं कुछ ग्रीन तरीके का, और इसी के साथ अब हमें इसके साइजेस को बनाना है। तो इसके एंगल्स को थोड़ा सा डाउन करने वाले हैं, और दैट्स ऑल, हम इस साइजेस को अब इसको बड़ा करेंगे। तो फिलहाल आप जितना स्क्रॉल करेंगे, जितनी एडिटिंग करेंगे, उतनी चीजें आपके सामने होती जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे हम एक डिजाइनिंग बनाने वाले हैं, तो जस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख पाएंगे कि हम उससे एक मिलती जुलती डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हमारा जो एरो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो चलिए फिलहाल हम इसको नीचे कर लेते हैं। और जितना एडिटिंग कर पाएंगे उतनी ज्यादा ज्यादा चीजें हम यहाँ पर देखने को और सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम चलिए इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और फिलहाल हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। जितना हमें एरिया कवर करना है वो सब हम चीजें कर पाएंगे। तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं हमने साइजेस को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया, और यहाँ पर अब आप देख पाएंगे कि उससे मिलती जुलती डिजाइन हमारी बन गई है। तो जैसे कि हमने खुद से क्रिएट किया, अब बात आती है हमें कलर चेंजेस करने की, बिकॉज एक प्रोफेशनल कलर होना बहुत जरूरी आता है जब आप खुद का विजिटिंग कार्ड क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए मैं कलर ले लेता हूँ, जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतने कलर्स के बारे में हम सीखेंगे।
अब मान लीजिए आपको अपने ब्रांड के हिसाब से कलर लेना है तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और शानदार सा लग रहा है मुझे कुछ डिजाइन, तो मैंने अपने हिसाब से ले लिया। अब मुझे और भी डिजाइन बनानी है बिकॉज मुझे कुछ इस तरीके के एरोज लगाने, कुछ डिजाइनिंग लगानी है, तो चलिए इसे भी हम ले लेते हैं। तो फिलहाल हम इसके जाएंगे वापिस इस पर एरो पे, और देन इसी के साथ जैसे कि हमने ट्रायंगल ले लिया, साइजेस को थोड़ा सा करते हैं बड़ा, और अब हम साइजेस को जितना बड़ा करेंगे उतनी बढ़िया डिजाइन यहाँ पे आने वाली है। अब देखिए, अब हमने इस ट्रायंगल को ले लिया, बट इसका जो एरो जो दिख रहा है वो फ्रंट की तरफ आ रहा है। अब हमें इसको क्या करना होगा, इसके एंगल्स को मूव कर देना होगा। तो हम इस एंगल्स को मूव कर देते हैं, तो अब जितना आप एंगल्स को मूव करेंगे उतनी आपके सामने चीजें आने वाली है। तो फिलहाल हम ले लेते हैं ये एंगल। अब इस एंगल को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। अब ये डिजाइनिंग जो है हमने इस तरीके से इसको सेट कर रख दिए। अब हम चाहते हैं कि कुछ और डिजाइनिंग जो है हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो चलिए इस डिजाइन को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दैट्स ऑल, ये डिजाइन हमने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, बहुत ही शानदार दिख रही है। अब थोड़ा सा इसका लुक देखते हैं आपको। तो देख रहे हैं गाइज आप किस प्रकार से लुक को देख पा रहे होंगे। अब इसी के साथ हमें फिर से ट्रायंगल चाहिए होगा, क्योंकि हमें एक और डिजाइन लगानी कुछ इस तरीके की एरो वाली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरो फ्रंट पे रहेगा, तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर जो कलर हो रहा है मैच हो रहा है, थोड़ा सा कलर को हम चेंजेस कर लेते हैं। कलर को हम थोड़ा सा ले लेते हैं जो डेमो के हिसाब से ही हम कलर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी कुछ डिजाइनिंग के हिसाब से बड़ा कर देते हैं। अब जितना हमें साइजेस चाहिए, जितना हमें मूव करना है, जितनी हमें क्रिएटिविटी करनी है उतनी हम कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप देख पाएंगे कि ये डिजाइनिंग जो है थोड़ी सी हमने 3D मॉडल के हिसाब से बनाई है, तो यहाँ पर जो है मिलती जुलती दिख रही होगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, साइजेस को बड़ा करके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डबल लेयर वाली डिजाइन हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। थोड़ा सा हमें बाहर रखना होगा और इस डिजाइन को उसके हिसाब से सेट करना होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ऐसा कुछ सेट करना है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको कुछ सेट कर देते हैं। और ये रही हमारी फाइनल डिजाइन जो हमने इससे मिलती जुलती बना दी। तो बिकॉज आप देख पा रहे हैं कलर की बात आती है, बिकॉज क्योंकि कलर जो है कुछ अलग अलग सेट हो रहा है, तो चलिए हम कलर पे जाते हैं इस ऑप्शन पे। तो हम यहाँ पे कलर लेना चाहते हैं कुछ अलग तरीके का, तो हम ये कलर ले सकते हैं, या आपको जिस भी प्रकार का कलर चाहिए आपको यहाँ पे लेना होगा। उस कॉम्बिनेशन को मैनेज करना होगा, जिस भी तरह का कॉम्बिनेशन आप अपने ब्रांड कलर्स में देना चाहते हैं, लोगोज में देना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीजों को समझना होगा। जैसे कि इधर जो कलर दिया बहुत ही अलग तरीके से कलर दिया गया है, तो यहाँ पे डार्क एंड लाइट कलर दिए गए हैं, तो ये हमें समझना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे डार्क एंड लाइट कलर भी ले सकते हैं, तो चलिए अभी हम ये कलर ले लेते हैं, बहुत ही लाइट कलर है। अब इसी के साथ इधर पे भी हमें यही कलर लेना होगा अगर हमें कुछ इस तरह की डिजाइन अगर क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए मैंने इतने हिसाब से कलर चूज कर लिया है, तो ऐसे हम यहाँ पे अपने ब्रांड कलर के हिसाब से लगा रहे हैं। तो आप जो भी कलर जितना स्क्रॉल करोगे, जितनी क्रिएटिविटी करोगे, उतने आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की चीजें आ गई। अब हमें यहाँ पे 2 से 3 चीजें और लगानी है, ऐसे हमें अपनी कंपनी का लोगो, कंपनी का नेम और अपना खुद का नेम और साझा एड्रेस और कॉन्टेक्ट हमें लगाना होगा। तो फिलहाल अभी हम ले लेते हैं इस तरीके का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ स्क्वायर तरीके से बना हुआ, यानी कि यहाँ पर सर्कल हमें लेना होगा, जस्ट उसके अंदर फिर हमें इमेजेस या फिर लोगोज लगाना होगा, या अपने खुद की इमेजेस भी लगा सकते हैं, लोगो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम कर देते हैं कुछ इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम सर्कल ले लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सर्कल में ही हमारी इमेजेस आए। तो क्या होगा कि जब भी हम विजिटिंग कार्ड बनने को देंगे, तो हमारा विजिटिंग, कंपनी का विजिटिंग कार्ड सभी का सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्कल को अपने हिसाब से कलर लगा लेते हैं। मान लीजिए मुझे कलर नहीं लगाना है, इसे ब्लैंक कलर करना है तो ब्लैंक कर सकते हैं, व्हाइट करना है तो इसे व्हाइट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जितना आप क्रिएटिविटी करेंगे उतनी चीजें आपके सामने आएंगी। तो थोड़ा सा इसको सर्कल को हम सीधा कर लेते हैं, तो दैट्स ऑल, हमने सर्कल भी अपने हिसाब से कर लिया। अब यहाँ पे हम इमेजेस लगाएंगे खुद की। अब चलिए इमेजेस हमें लगाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एलिमेंट्स के ऑप्शन में, और एलिमेंट्स के ऑप्शन में जस्ट नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने फ्रेम आ जाएगा। अब आप फ्रेम बनाना चाहते हैं, तो जस्ट आप देख पा रहे हैं आपने जो सर्कल बनाया उसी के अंदर आप फ्रेम लगाना चाहते हैं, तो चलिए फ्रेम को भी हम उसी के अंदर लगा देते हैं, फिट कर देते हैं। तो चलिए अगर फिट भी करना है तो अब आप देख पाएंगे यहाँ कुछ ऑप्शंस आपके सामने शो होते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसे खुद से ही एडिटिंग कर देते हैं, जैसे कि हम अपने जो हमने यहाँ पर जो पूरी तरीके से सर्कल बनाया है उसके हिसाब से फ्रेम बना दिया। अब हम चाहते हैं फ्रेम में हमारा फोटोज लग जाए, तो चलिए मेन लिख देते हैं हम यहाँ पे मेन, तो मेन से रिलेटेड हमें बहुत सारे मेन आ जाएंगे। यहाँ पर आप फोटोज लगाना चाहते हैं तो फोटोज पर आप जाएंगे और सीओल पे जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि किस मेन की फोटोज लगानी है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फ्रीली और पेड दोनों ही तरीके से, तो आपको देखना है कि आपको कौन सा लगाना है। अगर आप प्रो या पेड लगाओगे तो एक बार ये काम तो कर जाएगा, क्योंकि ऐसे हम फ्रीली वर्क कर रहे हैं, बट जब इसे डाउनलोड करेंगे तो कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा,
तो हम कॉपीराइट नहीं लगाना चाहते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर खुद की इमेजेस या फिर हम इसे डेमो इमेजेस लगा रहे हैं। तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं इसको हम लगाते हैं, तो थोड़ा सा साइजेस हमें मैनेज करना होगा बिकॉज हम इस फ्रेम में करना चाहते हैं। तो इस फ्रेम में करने के लिए इस फ्रेम पर जाएंगे और अब आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये फ्रेम और ये साइज जो है पूरी तरीके से आ गया। या आपको थोड़ा सा और अलग डिफरेंट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए सेल्फी फोटोज लेनी है किसी पर्सन की, तो चलिए इस फ्रेम के अंदर हम करते हैं फिट। अब दैट्स ऑल, अब आप देख पा रहे हैं कुछ एक ओरिजिनल ग्रीटिंग कार्ड यानी विजिटिंग कार्ड आपको सामने शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या चीजें करनी है, हमारे यहाँ पे कंपनी का लोगो आना चाहिए और नेम आना चाहिए। तो कंपनी के लोगो के लिए भी हमें यहाँ पे फ्रेम की जरूरत होगी, क्योंकि फ्रेम जो है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है जब भी हमें कुछ भी अच्छी चीजें अपने लिए अपने विजिटिंग कार्ड के लिए क्रिएट करनी होती है, तो फ्रेम हमें बहुत शानदार लगता है। तो चलिए फ्रेम, फिलहाल हम फ्रेम को भी ले लेते हैं और फ्रेम में अब हमें देखना है कि हमारा कंपनी का लोगो किस साइज में आना चाहिए, जिससे कि जस्ट नीचे हमारी कंपनी का नेम भी आ जाए। फिलहाल हम इसको कर देते हैं फ्रेम को छोटा, अब यहाँ पर हम फ्रेम ला सकते हैं। तो चलिए अगर मान लीजिए आपका ऑलरेडी अपलोड है लोगोस तो यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं है तो आपको अपलोड फाइल में जाके अपनी कंपनी का अपने ब्रांड का लोगो यहाँ पर अपलोड करना होता है। देन इसके बाद यहाँ पर आप अच्छी तरह से विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा इस फ्रेम में, तो आप देख पाएंगे कि कैसे ये अलाइन हो जाता है और हमारा कम्प्लीटली लोगो यहाँ पे लग जाता है। आप चाहें तो लोगो अपने हिसाब से जिस भी एरिया में चाहते हैं लगा सकते हैं, या फिर आप जिस भी इस तरीके को भी इसको चाहें तो उसको भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी ऐसे हम उसके जैसे ही पूरा सेम टू सेम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं खुद से क्रिएटिविटी करना। अब यहाँ पे अब बात आती है अपनी कंपनी का नेम लिखना, तो चलिए टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे। अब मान लीजिए आपको हेडिंग में लिखना है या फिर अपने खुद के पैटर्न में लिखना है, तो अलग अलग डिजाइनिंग में लिखना है तो डिजाइनिंग के पैटर्न आपको सामने शो हो जाएंगे। तो चलिए एज ए हम यहाँ पे एज ए हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अपनी कंपनी का नाम, द मिशन डेवलपमेंट। तो चलिए अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉन्ट का साइजेस भी बहुत बड़ा हो गया है, फिलहाल हम साइजेस को कर देते हैं छोटा। और जितना साइजेस हमें अपने विजिटिंग कार्ड में लगाना है उसी हिसाब से हम विजिटिंग कार्ड में लगाना होगा। तो चलिए दैट्स ऑल, बट हमने कर तो दिया है, बट कलर का हमें समझ में नहीं आ रहा है या फॉन्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फॉन्ट भी चेंजेस कर सकते हैं। तो जितना बढ़िया फॉन्ट आप यूज करेंगे, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, उस हिसाब से आपके सामने फॉन्ट और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। फिलहाल हम ऐसा फॉन्ट ले लेते हैं जो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो और शानदार तरीके से शो हो। तो चलिए जैसे हमने ले लिया, बट कलर की प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ कलर यहाँ पे थोड़ा सा दब रहा है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार का कलर ले सकते हैं, क्या व्हाइट कलर यहाँ पे शो हो जाएगा, दैट्स ऑल। व्हाइट कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें देखना होगा किस प्रकार की डिजाइनिंग हम क्रिएट करना चाहते हैं, किस प्रकार के फॉन्ट्स कलर्स हम लगाना चाहते हैं, तो हर एक चीज डिपेंड करती है। चलिए फिलहाल हम व्हाइट कलर लगा देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप समझ पा रहे हैं हमने अपने कंपनी का लोगो लगा दिया। अब जो अलाइन करना होता है, जैसे कि लाइनिंग आपके सामने पिंक कलर की दिख रही है, ये बता रही है कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपका विजिटिंग कार्ड को शानदार और अच्छी तरीके से शो होने वाला है। अगर आप इधर उधर लोगो लगा देंगे तो वो रख तो जाएगा बट वो अच्छी तरीके से शो नहीं होगा। तो चलिए ऐसे अपने हिसाब से यहाँ पे शो करने के लिए, तो दैट्स ऑल, ये हमने अपने कंपनी का लोगो लगा दिया। अब मान लीजिए हमें नेमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लाइनिंग जो दिख रही है उस अलाइन में हमें मिलाना होता है और दैट्स ऑल, ये हमने कम्प्लीटली हाफ वर्क कर लिया है। अब बात आती है नाम की, तो चलिए हम यहाँ पे नेमिंग को कॉपी कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर, क्या क्या चीजें आप करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे फॉन्ट्स का भी ध्यान रखना है, आपको किस फॉन्ट में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल यहाँ पर विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो जिस भी तरीके का आपका प्रोफेशन हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एज ए हमने यहाँ पे लगा दिया, दैट्स ऑल। तो आप देख पा रहे हैं हमें मान लीजिए यहाँ पर यूएक्स डिजाइनर की जगह डिजिटल मार्केटर लिखना है, तो हम डिजिटल मार्केटर लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल, हमने डिजिटल मार्केटर लिख दिया। नेम अगर हमें चेंजेस करना है तो नेम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिवम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपना नेम लिख देता हूँ या फिर ऐसे डेमो नेम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शिवम। तो दैट्स ऑल, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जितनी आप चीजें एडिट कर सकते हैं कर पाएंगे। अब हमें क्या चीजें चाहिए रहती है तो आपको पता ही है, कुछ हमें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होते हैं और कुछ इस तरह की चीजें होती है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। इन सभी चीजों को सिलेक्ट करने के बाद हम वापस पहुंचते हैं अपनी क्रिएटिविटी वाले कैनवास में और यहाँ पर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए ये हर एक चीज हमने यहाँ पे कॉपी कर ली। अब यहाँ पे हमें जो भी कॉन्टेक्ट नंबर लगाना है हम लगा सकते हैं अपने हिसाब से, मेल एड्रेस या जो भी हमें एड्रेस लिखना है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं जो है हम यहाँ पे अपने विजिटिंग कार्ड में प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपने डिजाइन तो क्रिएट कर लिया, हमें इससे पीछे का जो यानी कि बैक का भी हमें बनाना है, तो बैक का ऑप्शन हमें यहाँ प्लस के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमें पेज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप देख पाएंगे कि सामने वाले पर्सन के हिसाब से हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसमें हम क्या चीजें कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही
शानदार सिंपल डिजाइन है। पीछे का बैकग्राउंड हम इस कलर में लगा सकते हैं और यहाँ पर जो है ट्रायंगल का शेप लगा के कम्प्लीटली डिजाइनिंग बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे शेप ले लेते हैं एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्रायंगल और ट्रायंगल को थोड़ा सा हमें साइजेस बड़ा करना होगा बिकॉज हम एक डिजाइनिंग चाहते हैं। तो चलिए डिजाइनिंग में आप देख भी पा रहे हैं कि किस एंगल पर यहाँ पे हमें चाहिए रहेगा। तो फिलहाल हम इसको कर लेते हैं बड़ा साइज और जितना बड़ा करेंगे उतनी क्रिएटिविटी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं तो हमने अपने साइजेस को इस तरीके से बना दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से डिजाइनिंग सेट हो गई, लाइनिंग के हिसाब से हो गई। अब यहाँ पर जो है कलर्स आपको करना है, तो आप जो भी कलर चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस भी प्रकार का आप शेप लगाना चाह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है ग्रेडिएंट कलर लगाया था, तो इसे मैं ग्रेडिएंट कलर लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे पीछे के बैकग्राउंड में मुझे कौन सा कलर लगाना चाहिए बिकॉज ऑफ, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड में मैंने कुछ इस तरीके का बहुत ही लाइट कलर लगाया है। तो चलिए लाइट कलर हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब आपने जो पीछे का बैकग्राउंड जो लिया है वो तो कलर्स के हिसाब से लिया, बट पीछे जो डिजाइनिंग है कुछ भी नहीं है। तो आपको या तो शेप लेना होगा, शेप नहीं लेते हैं तो आपको फिर अपने हिसाब से डिजाइनिंग बनानी होगी। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले हमें शेप से कवर करना होगा, जिसको हम कट कर देते हैं और शेप से हम इसे कवर कर देते हैं, पूरे पूरे साइजेस को हम कवर कर देते हैं। तो क्या होगा कि हमारी जो डिजाइनिंग है वो सेम टू सेम दोनों ही पेज पर दिखाई देने लगेगी। तो चलिए इस कलर्स को हम क्या ले लेते हैं, कुछ कलर जो हमने लिया था, हमने जो लाइट कलर लिया था वो लिया था इस टाइप का। तो दैट्स ऑल, हमने लाइट कलर ले लिया। अब यहाँ पे हम वापस वही शेप लगाते हैं जो हमने बनाया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, बट ये कुछ कलर जो है हमने यहाँ पे गलत ले लिया। तो चलो इस कलर को चेंजेस कर देते हैं। तो हमारा जो कलर था वो था ये वाला। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, पहले हमें चूज करना होगा कि हमें कौन सा कलर्स लेना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा कलर था वो तो था इस पर ये, और हम चाहते हैं कि पीछे के बैकग्राउंड में हमारा जो कलर है वो इस तरीके से आ जाए या ये वाला आ जाए। तो दैट्स ऑल, हमने ये कलर चूज कर रखा था। एक बार हम चेक कर लेते हैं ना। तो कलर्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, तभी आप एक बढ़िया वे में यहाँ पर अच्छी क्रिएटिविटी कर पाएंगे। तो फिलहाल अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हम सेम टू सेम कर सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिलहाल देनिसी के साथ अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पाएंगे हमारे कंपनी का लोगो आ गया। अब साइजेस को हम बड़ा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बैक वाला हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, हमने फ्रंट का तो बना दिया, अब देन बैक वाला हम बना रहे, तो अपने हिसाब से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। देन इसके साथ ही हमें अपने कंपनी का नेम भी प्रेजेंट करना होता है जब हम लोगो लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने कंपनी का नेमिंग भी लगा रहे हैं। अब फिलहाल हमें स्टेप्स को क्या करना होगा, थोड़ा साइजेस बड़ा करना होगा बिकॉज हम कुछ चीजें नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम और लोगो यहाँ पे लगा दिया। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से अलाइन हो रही है, लाइनिंग के हिसाब से हमें मैनेज करना होता है। तो फिलहाल दैट्स ऑल, इसी तरीके से चीजें बनती है। अब इसी के साथ मान लीजिए कुछ एरोज या लाइनिंग आपको लगानी है शेप में, तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कुछ ऐसी लाइनिंग लग जाए, प्रोफेशनली वे में लुक हो जाए, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से चीजें मैनेज करनी होती है। तो दैट्स ऑल, जैसे कि लाइनिंग थोड़ी सी डाउन अप में हो रही है, तो हम इसको ले लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना साइज हमें लेना है, उस हिसाब से हम साइजेस ले सकते हैं अपने नेमिंग के हिसाब से। और दैट्स ऑल, हमें कलर चेंजेस करना हो तो हम कलर भी चेंज कर पाएंगे। फिलहाल हम इसको लगा देते हैं इस एरो को इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने एक प्रोफेशनल लुक तरीके से यहाँ पे बना दिया। फिलहाल अगर हमें साइजेस भी छोटा करना है तो हम साइजेस भी छोटा कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, थोड़ा सा इसको नीचे डाउन कर लेते हैं। तो फिलहाल हम इसको कर लेते हैं अपने हिसाब से। That's all. हमारा completely अब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमने एक खुद का विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर रखा। बात आती है इसको फुल स्क्रीन पे देखने की, तो चलिए फुल स्क्रीन पे हम देख लेते हैं। और इस तरीके से हमारा विजिटिंग कार्ड बन गया, जैसे शिवम के नाम से बनाया, डिजिटल मार्केटर हमने लिख दिया, हमारी कंपनी का नेम आ गया, लोगो आ गया और हमारी खुद की प्रोफाइल पिक्चर से हमने डेमो के लिए बनाई है। और यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट नंबर, अपना मेल आईडी और एड्रेस लिख सकते हैं। फिलहाल आप डिजाइन देख पाएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन दिख रही है और एक बहुत ही सिंपल सिटी हम बोल सकते हैं डिजाइन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। और लास्ट में हम कुछ इस तरह की चीजें लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप कम्प्लीटली समझ गए होंगे कि कैसे हम खुद से अपनी खुद की चीजें यानी खुद से विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर पाएंगे और हमने इससे मिलता जुलता ही करा। तो चलिए फिलहाल आई होप कि आप जरूर इन्हें प्रैक्टिकली करके देखोगे।
हेलो फ्रेंड, जैसे कि अभी आपने प्रैक्टिकली समझा, आप यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं, ट्रिक्स देना चाहते हैं जिनकी हेल्प से आप एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज करना है और पिक्सलेशन को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि पिक्सलेशन आपकी इमेजेस के फट रहे हैं। देन इसी के साथ आपको डिजाइन को सिंपल और अवॉइड करना है कल्टर्स को, यानी कि कल्टर चीजें आपको अवॉइड करनी और डिजाइन बहुत ही सिंपल रखनी। जितनी बढ़िया और सिंपल रहेंगे विजिटिंग कार्ड में, उतनी बढ़िया तरीके से आपकी कंपनी आपके बारे में लोगों को बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दैट्स ऑल। इसी के साथ आपको कॉन्स्ट्रक्टिंग कलर लगाना है जो आपकी रीडेबिलिटी को बेटर कर पाए। ऐसा ज्यादा चमक धमक वाला कलर आपको नहीं लगाना। देन ऑन आपको हमेशा कुछ ऐसे क्यूआर कोड एडिट करना है जिससे कि डिजिटल कॉन्टेंट आप कर सके, लोगों से शेयरिंग कर सके। इस तरह का क्यूआर कोड भी आप लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ आज की ऑनलाइन इंडस्ट्रीज में क्यूआर कोड बहुत सबसे ज्यादा तरीके से चल रहा है। तो आप मान लीजिए किसी से डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट करना है, अपना व्हाट्सअप का क्यूआर कोड लगा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जब भी आप किसी को सामने वाले पर्सन को विजिटिंग कार्ड देते हैं तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर उनके पास पहुंच जाता है और आप उनसे ऐड हो जाते हैं। इसी तरीके से जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अलग अलग लेआउट के साथ, टेम्पलेट के साथ, एलिमेंट्स के साथ, उतनी ज्यादा तरीके से आप अलग अलग यूनिक स्टाइल्स को फाइंड आउट कर पाएंगे और एक बेटर वे में विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर पाएंगे। आई होप कि आपने अच्छी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स को भी समझा। आई होप कि आपने प्रैक्टिकली भी समझा और इसी तरीके से आप खुद से क्रिएट करके देखेंगे एक बढ़िया शानदार सा विजिटिंग कार्ड को। विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच।